नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अक्सर ये समझा जाता है कि नशे की समस्या का सामना कर रहे लोगों को कुछ भी समझाओ, कितना भी बोलो, वह किसी भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, जबकि परिस्थिति बिल्कुल इसके विपरीत होती है। नशे की समस्या का सामना कर रहे लोगों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, और यही एक कारण है कि नशे को इमोशनल डिसीज भी कहा जाता है, यानी कि भावनाओं से संबंधित बीमारी। नशे की बीमारी से जूझ रहे लोग स्वयं की भावनाओं को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, और एकाएक आवेग में आकर वे इस तरह की बातें कर बैठते हैं, इस तरह का व्यवहार कर बैठते हैं जो कि आसपास की परिस्थितियों के हिसाब से ना तो सही होता है और दूसरों के लिए भी नुकसानदायक होता है। स्वयं की भावनाओं को नियंत्रित ना कर पाने के कारण नशे की बीमारी से जूझ रहे इंसान के मन में शर्म का भाव पैदा होता है कि क्यों मैं गलत व्यवहार कर रहा हूँ, क्यों मैं अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं गलत निर्णय ले रहा हूँ, या फिर मैं क्यों बिना वजह बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा हूँ। जब शर्म का भाव मन में पैदा होता है तो बार बार इस तरह की परिस्थिति बनने के कारण मन में गिल्ट फीलिंग जनरेट होने लगती है, यानी कि हीन भावना का स्तर बढ़ने लगता है। अब एक इंसान स्वयं को सारी परिस्थिति के लिए दोषी मानने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा है और मैं ही परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हूँ। उसका मन कभी भी इस बात को नहीं समझ पाता है कि ये सारी परिस्थिति नशे के वजह से हो रही है, और जब आसपास के लोग उसे समझाते हैं कि यह सब कुछ नशे के कारण हो रहा है तो पास्ट की पुरानी यादें उसे मुक्त नहीं होने देती हैं और मन में घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है, विचारों का स्तर बढ़ने लगता है। जब एक इंसान अपने द्वारा किए गए हरकतों के बारे में, या फिर कहें अपने द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में सोचता है तो उसके मन में हीन भावना के स्तर बढ़ने के कारण भावनात्मक अस्थिरता पैदा होती है, और उसके मन में सिर्फ एक ही विचार पैदा होता है उसे शांत करने का, और वह है नशा कर लेना। तरह से एक इंसान बार बार मन में पैदा होने वाली गिल्ट फीलिंग से मुक्ति पाने के लिए नशे का सेवन करता चला जाता है। जब एक इंसान नशा का सेवन करता है तो पूरी तरीके से उसका दिमाग नशे के कंट्रोल में चला जाता है, क्योंकि नशा ब्रेन के केमिकल केमिस्ट्री को बदल के रख देता है। अब एक इंसान स्वयं निर्णय नहीं लेता है, बल्कि उसके मन में नशे के प्रभाव पड़ने के कारण वह इस तरह के निर्णय ले रहा होता है जो कि परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। नशा कर लेने के बाद एक इंसान के मन में जब पास्ट मेमोरीज हावी होती हैं तो वह वापस से गलत व्यवहार करने लगता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए, और इस तरीके से यह चक्र या सर्कल घूमता रहता है। किए गए व्यवहार को लेकर मन में शर्म पैदा होना, उससे गिल्ट भावना जनरेट होना, और उसे शांत करने के लिए नशा करना, और नशा करने के बाद फिर कुछ ऐसा व्यवहार करना जो कि परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, और फिर वही चक्र, शर्म गिल्ट नशा, शर्म गिल्ट नशा, और इस तरीके से धीमे धीमे करके एक इंसान उसके चक्र में पूरी तरीके से फंस जाता है और उसके लिए निकलना काफी मुश्किल होता है। जब एक इंसान नशा छोड़ने का विचार करता है तो सिर्फ नशा छोड़ देने से उसके जीवन की परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं। एक इंसान के व्यवहार, उसकी भावनाओं तथा उसके शरीर पर इसका बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नशा छोड़ते तो हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे वापस से नशा करने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में चलने वाली भावनात्मक अस्थिरता, पास्ट मेमोरीज उन्हें इतना ज्यादा परेशान करती हैं कि उन्हें शांत करने के लिए वे मजबूर हो जाते हैं वापस से नशा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप या फिर आपका कोई अपना नशे की समस्या से जूझ रहा है और वह इससे बाहर आना चाहता है तथा लगातार प्रयास भी कर रहा है और फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको निश्चित ही मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए कदम उठाना चाहिए। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए